थाना छरा क्षेत्र के गांव जटपुरा में एक किशोर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या में प्रेम संबंधों का मामला सामने आ रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेने का प्रयास किया तो पीड़ित परिजनों ने इसका विरोध कर दिया। इसके चलते कई थानों का फोर्स गांव में बुला लिया गया है। जटपुरा निवासी मृदुल का गांव के ही प्रधान की भतीजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक लगने पर परिजनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रधान ने भतीजी के माध्यम से मृदुल को बुला लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की पता चलते ही परिजन थाना घटना स्थल पर पहुंच गए। सूचना पुलिस को दे दी गई। थाना पुलिस को ने गांव में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। परिजनों ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। इसी के चलते काफी देर तक गांव में हंगामा होता रहा। बरला, गंगीरी, अतरौला आदि स्थानों से भी फोर्स बुला लिया गया। आज सुबह जी, और इन्होंने जो है कोई बहाना लगा करके इसको उल्टा सीधा मारा लाठी इन लोगों से। किसने बुलाया था? ये ब्रजेश कुमार ने बुलाया था। ब्रजेश राजू फोन कराए, ब्रजेश राजू, गणेश और मुकेश, हाँ चल रहा है। उसको घर में बंद करके लाठी मारा, मुखिया इन्होंने बुलाया, उसको डंडो से मारा था। और जो फिर उसके बाद मुझे है इन्होंने ये कॉल किया, लौंडा भी है कौन था वो, कॉल किया तो उन्होंने जो है मैंने देखा तो लड़के को बेहोश पड़ा था, यही पड़ा हुआ था यहाँ पे मकान में अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या, मैं इसको जो किस प्रकार मिला उसको बचा लू कैसे भी जी, इसको डॉक्टर का एक डॉक्टर ने उसको लोग घोषित कर दिया। और पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रही उसमें? आपने तहरीर दे दी, पूरा गांव आया हुआ है। सुबह जब अपने घर में बंद करके मौजूदा प्रधान जी है, उन्होंने अपने घर में बंद करके उसके लिए मारा है। जब मृत्यु हो चुकी है उसकी, तब उसे छोड़ाया और जब घर पर फोन किया है अपने बेटे को बुला ले जाओ यहाँ से, यहाँ पर नहीं क्योंकि उसे खून की उल्टी आ रही है। जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने मृत घोषित कर दिया, तुरंत जाकर पुलिस को भी कॉल इन्फॉर्मेशन दी थी। किस किस चीज से मारा गया? सरियाओं से मारा है और सरियाओं के निशान बन रहे बॉडी पे, ऐसे निशान कोई नहीं है यहाँ। सरियाओं को गर्म कर करके मारा उसके लिए, और उसका फोन था, फोन भी जला के फेंक दिया। वहाँ की पुलिस है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके लिए पैसा भर रखा अच्छी खासा है, वो प्लानिंग से बहुत अच्छी तरह से खत्म किया उसके लिए। तो दबंग लोग प्रधान है, दबंगे आए दिन गाँव में करते रहते हैं, प्रधान है मौजूदा आदमी, किसी को पीट दिया कभी किसी को पीट दिया। और एक समाज जाटा समाज का गाँव में कोई और कोई कहता नहीं, इसलिए ज्यादा है का सबसे दिक्कत ये है। और ये भी भाई वगैरह दिल्ली रहते हैं, अकेले रहते हैं, सरकारी मास्टर हैं और अकेला ही इनका बड़ा लड़का था ये, और ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है इनका। इस तरह से घटना, और कोई ये भी नहीं है, गेट से ताला लगा के फरार हो गए। मौजूदा कंडीशन में जब थे वहाँ तब भी पुलिस उन्हें पकड़ के नहीं लेगी और तब भी फरार हो गए वो। मेरा नाम वीरपाल सिंह। हाँ, क्या घटना हुई आपके भाई के साथ, क्या हुआ? ये मतलब गांव के मौजूदा प्रधान है इस समय, उसके लड़कों से एक हफ्ते पहले कोई बात हो गई थी। उस लड़के ने चेतावनी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा इस तरह से। तो अभी रात को उसने फ़ोन करके, जैसे भी उसके नंबर पर फ़ोन करके कॉल करी है, उसको बुलाया भी है। इसके बाद में उसने घर में बंद करके इतना पीटा कि वो लास्ट में उन्होंने फ़ोन कराया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, हो गया है। थोड़ी सी सांसें चल रही थी, अपने लड़के को उठा ले जाओ। घरवाले जब गए देखने वहाँ तो उसकी कोई समझ खराब थी, डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने तुरंत मृत घोषित कर दी। तो कोई किस बात पर लड़ाई चल रही थी? लड़ाई क्या मतलब कोई वैसी मनमुताब वाली कोई बात ही मौजूदी हो गई थी, कोई बात ऐसे रास्ते में निकलते कोई बात होगी तो आपस में, तो उसने धमकी दे दी तो मैं तुझे मार दूंगा ये। तो पढ़ते भी थे साथ में दोनों? नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ता, वो तो एजेड है लड़का जो जिसने मारा है, वो तो पूरा फैमिली ने मारा है। चार पांच भाई है, सबने बंद करके तब मारा घर में उन्होंने अच्छी तरह से, पूरा फैमिली मर गया नहीं है। पुलिस के आया, उसमें एक पक्ष का कहना है कि ये जो लड़का है इसको कुछ लोग घर में बंद किए और इसको पीटा, जिससे इसकी हत्या हो गई। और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमारे घर में घुसा था, हमारी लड़की से इसके अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, इस मारपीट में इसकी मृत्यु हुई। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस निश्चित।